हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिशा साहू। टुडे आई डिस्कस अबाउट सेमी ग्रुप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। एन अलजेब्रिक सिस्टम एस कमा स्टार, इफ एस इज ए सेमी ग्रुप एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, इज सेड टू बी ए सेमी ग्रुप इफ फॉर एस टू बी ए नॉन एम्प्टी सेट विथ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार सैटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम, दैट इज क्लोजर एक्सियम एंड एसोसिएटिव एक्सियम। If two conditions are satisfied, then the set is a semigroup. आम मैंने कौन गोटे सेमिग्रुप मन कर एस आउ गोटे स्टार देखते मैंने कौन एसटा गोटे हूँ सेट स्टार गोटे बाइनरी ऑपरेशन। जदि ये क्लोजर एक्सियम आउ एसोसिएटिव एक्सियम सैटिस्फाई कर ताले ही से गोटिक सेमिग्रुप हम। लेट हैव एन एग्जांपल। जेड प्लस इज ए सेमी ग्रुप और नॉट, फॉर जेड प्लस इज ए सेमी ग्रुप और नॉट, फॉर जेड इज एन इंटीजर। ओके, फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ सेमी ग्रुप, दैट इज एन अलजेब्रिक सिस्टम इज सेट टू बी सेमी ग्रुप इफ इट सैटिस्फाई क्लोजर एंड एसोसिएटिव एक्सियम डेफिनेशन। ओके, देन व्हाट, देन which satisfy closure axiom and associative axiom? So closure axiom, z is equal to, z is an integer, it means what, z is equal to minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 dot dot dot. Okay, then for closure axiom here binary operation is plus, it means addition. So 2 plus 5 is equal to 7. 7 is present in Z or not? Yes. So it satisfies closure. Okay, then another is 2 plus minus 5 is equal to minus 3. Minus 3 present in Z or not? Yes. Minus 3 plus minus 7. I write down plus here because of this binary operation. Okay. Minus 10, minus 10 is also present because it does not end here. Okay, therefore it satisfy, all are satisfy, all the results are satisfy closure axiom. Okay, then next you have to see that it satisfy associative axiom or not. Associative means A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Let's try. You can take any number. निज मन किसी भी नंबर नहीं पार्टी क्या जेड रहा थी से नंबर नहीं पार्टी डट डट दे मैंने इे अच्छी यार एंड ना एपट भी एंड ना विथ इनक्लूडिंग जीरो क्या जेड हूँ गोटे इंटीजर। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी मन कर मुझे नेली टू प्लस सिक्स प्लस नाइन ए दुटा को ब्रैकेट कली इज इक्वल टू टू प्लस सिक्स प्लस नाइन, that implies 2 plus 6 8 plus 9 is equal to 2 plus 15, 8 plus 9 17, 15 plus 2 17, it satisfies associative property. Okay, let's have another example. 2 plus 6 gote minus ru gote plus ru tumi nei ke dekh paribo emti pancha ta bi nei hobo tumi eti di ta ke tinta nei ke dekhouchi plus minus 3 gote nei आपको भी कौन लिख पारि टू प्लस सिक्स प्लस माइनस थ्री। ओके, टू प्लस सिक्स एट प्लस माइनस थ्री इजिकल टू टू प्लस आ मैंने कौन सिक्स माइनस थ्री एट माइनस थ्री, एट माइनस थ्री के फाइव इजिकल टू टू प्लस सिक्स माइनस थ्री थ्री हे हूँ फाइव। ये भी एसोसिएटिव रूल सैटिस्फाई कला। As it satisfies both closure and associative axiom, then it is what? It is a semigroup. Therefore, Z is a semigroup. Is that clear to you? If any doubt, please comment.